के साए में सांसें। लवीव में कभी कभी बीच बीच में रोज 3-4 बार सायरन्स बज जाते थे जब हमें अपने बंकर्स में भागना पड़ता था, जो कि बंकर हमारे हॉस्टल के पास नहीं था तो हमें दूर भागना पड़ता था। मौत के पहरे में जिंदगी। आप देख सकते हैं कितनी स्नोइंग हो रही है और मैं अपना बॉटल भरने जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास पीने का कोई पानी नहीं है और यहाँ पे सुमी में ऑलरेडी फाइट चल रही है, सो इट्स वेरी रिस्की। लौटना चाहते हैं वतन। मैं आपसे अब मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हमारी हेल्प करिए, हम बाहर जा भी नहीं पा रहे। हर हाल में उन्हें बचाना है। एक टाइम पे हो चुका था कि यहाँ से पता नहीं निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इवैक्यूएशन होगी, कहाँ से होगी कहाँ से नहीं होगी। और जोन के कैदी। रूस और यूक्रेन के बीच जब से खूनी जंग छिड़ी है वो बन गए हैं वॉर जोन के कैदी। उनके पास न खाने के लिए भोजन है और न ही पीने के लिए पानी। धनाधन चलती गोलियों और बरसते बम के बीच वो किसी भी तरह घर लौटना चाहते हैं और अब उनके तड़प की खौफनाक तस्वीरों ने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। रूस और यूक्रेन के महायुद्ध की ये वो तस्वीरें हैं जिसने पिछले 10 दिनों से पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। रूसी सेना यूक्रेन के सभी प्रमुख शहरों पर लगातार बमबारी कर रही है। कहीं टारगेट पर मिसाइल दागे जा रहे हैं तो कहीं टैंकों से गोलों की बरसात की जा रही है। कल तक यूक्रेन के जिन शहरों में सड़कों पर जिंदगी दौड़ती थी वहां अब मौत की चीख गूंज रही है। रूसी सेना के हमले में सब कुछ तहस नहस होता जा रहा है। यूक्रेन मलबे का ढेर बनता जा रहा है। अमेरिका और नाटो के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर तब तक बम बरसाता रहेगा जब तक कि वो उसके सारे शहरों पर कब्जा न कर ले। रूसी सेना के हवाई हमले में लगातार बेगुनाहों की मौत हो रही है। जंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रूस ने आज मरियुपोल और वोल्नोवाखा इलाके में सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन जो लोग यूक्रेन के दूसरे इलाकों में फंसे हैं वहां अब भी घमासान मचा है। लगातार हो रही बमबारी के बीच कहीं भी आने जाने का मतलब है अपनी जान से खेलना। ऐसे में बड़ी तादाद में सुमी इलाके में फंसे भारतीय छात्रों को समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। वो बिना खाना और पानी के तड़प रहे हैं लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। ऐसे में वतन तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए ऐसे छात्रों ने लिया है एबीपी न्यूज का सहारा। जरा देखिए कुदरत के कहर और खूनी जंग के बीच वो कैसे जैसे तैसे जिंदा है। सबसे पहले सुनिए सुमी में पढ़ने वाली श्वेता की यह खौफनाक कहानी। Hello everyone, we are students of Sumy State Medical University and right now we are stuck in Sumy, Ukraine and we are out of food, we are out of water, we are out of electricity. Russian troops have bombed or already have bombed a power plant near our university, so we don't have any essential supplies right now.
because you can see that it's heavy snowing and the water from the roof, which is like the snow which is melting, we are taking it and we are going to drink it, and you can see that how much unhealthy and unhygienic it is right now for us and our health. And the water in the pipe is really dirty, and we are supposed to drink this water because we don't have any water supply. Please help us. Help us. श्वेता की तरह सुमी में पढ़ने वाले अनुज कुमार भी अपने कई साथियों के साथ भूखे प्यासे वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सुमी से निकलने की इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, और अब हर तरह से हार कर ये एबीपी न्यूज के जरिए सरकार तक अपनी फरियाद पहुंचा रहे हैं। नमस्ते, मैं अनुज कुमार, छठे वर्ष का स्टूडेंट सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी से। आज यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर। हम सबके लिए यहाँ पे बोला जा रहा था कि रशियन साइड से सीज फायर रोक दिया गया है, मगर अभी तक यूक्रेनियन साइड से सीज फायर नहीं रोका गया है, जिसकी वजह से हमको इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम लोगों को एक सेफ पाथ चाहिए जिसकी वजह से हमारी जान और माल को नुकसान ना हो। इसलिए हम भारत सरकार से अपील करते हैं, कृपया करके यहाँ पर इवैक्यूएशन का प्रोसेस थोड़ा तेजी लाई जाए उसमें, ताकि हम लोगों को निकलने में कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुमी में इस वक्त करीब 700 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। भारी बमबारी के बीच वो भूखे प्यासे बंकरों में जैसे तैसे जी रहे हैं, लेकिन अब उनका सब्र जवाब देने लगा है। सुमी में सैकड़ों छात्रों का जत्था अब जान हथेली पर रखकर उन इलाकों की ओर निकल चुका है, जहां से उन्हें ये उम्मीद है कि वहां भारतीय दूतावास के अधिकारी वतन वापसी में उनकी मदद करेंगे। We are students of Sumi State University. It's the 10th day of war. Today we got a news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for two cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumi. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our lives. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happens to us, to anyone, Mission Ganga will be your biggest failure. This is the last video from the Sumi State University students, and we are just risking our life and we are just going to this border which Russia has offered. So this will be our last request and last video, guys. यूक्रेन में पढ़ने वाले ये वो बच्चे हैं जो भूख प्यास से बेहाल होकर वतन वापसी के लिए अब हर खतरा मोल लेने को तैयार हैं। ऐसे छात्रों को हम यही कहेंगे कि आप हिम्मत और हौसले से काम लें, कुछ भी ऐसा न करें जिससे आपकी जान को खतरा हो। भारतीय दूतावास के अधिकारी आपकी सुरक्षित वापसी का हर उपाय कर रहे हैं, बस संयम से काम लें, घबराहट में कोई भी गलत कदम ना उठाएं। हिम्मत और विवेक से काम लेंगे तो आप भी फरहाना की तरह सुरक्षित वापस लौट सकते हैं। रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन के खारकीव शहर को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर डाला है। जलती हुई इमारतें गवाही दे रही हैं कि रूसी सेना की बमबारी ने कैसे एक खूबसूरत शहर को खंडहरों का शहर बना दिया है। करीब 14 लाख की आबादी वाले खारकीव शहर में जहां 10 दिन पहले तक चहल पहल और जिंदगी की खुशियां नजर आती थीं, वहां अब चप्पे चप्पे पर मौत का मातम है। चारों तरफ खौफ पसरा हुआ है। yes.
भारतीय छात्रा फरहाना ने भी कुछ घंटे पहले एक वीडियो के जरिए खारकीव के हालात बयान किए थे। फरहाना की जुबान से निकले एक एक लफ्ज पर खौफ की मोहर लगी हुई थी। मैं अभी यहाँ पे मतलब बहुत सारे तकरीबन 50 से ऊपर के लोगों के साथ अभी मैं फंसी हुई हूँ यूक्रेन में अपने हॉस्टल के बंकर में। यहाँ पे बहुत भारी मात्रा पे शेलिंग हो रही है। यहाँ पे रशिया ये बोल रही है कि वो लोग सिविलियंस को नहीं अटैक करेंगे, लेकिन वो लोग रेसिडेंशियल एरियाज को भी टारगेट कर रही है। हम लोग सामने से देख रहे हैं कि वो लोग बिल्डिंग्स पे अटैक्स कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमारी जान को मतलब कोई भी अश्योरिटी है कि हम लोग मतलब अपनी लाइफ का कोई भी अश्योरिटीज नहीं मिल रहा है हम लोगों को। मतलब हम लोगों को अभी डाउट हो रहा है कि हम लोग शायद नेक्स्ट हम लोग ही हो सकते हैं। और ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड किया गया था जब फरहाना खारकीव में फंसी हुई थी। वीडियो पर 1 मार्च की तारीख नजर आ रही है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि उस दिन खारकीव के बद से बदतर होते हालात देखकर फरहाना पूरी तरह डर गई थी। वो भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रही थी। अब मैं आपसे अब मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हमारी हेल्प करिए। हम बाहर जा भी नहीं पा रहे। यहाँ पे कुछ भी मतलब कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे यूक्रेनियन सोल्जर्स भी आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम यहाँ पे शायद बंकर्स में रशियन सोल्जर्स छुपे हुए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे और भी कई छात्र हैं, सब मतलब शेल्टर्स ले रहे हैं, बॉम्ब शेल्टर में या फिर सबवे में या फिर मेट्रोज में। यहाँ पे कुछ भी मतलब ठीक नहीं है। प्लीज हमें हेल्प करिए। और हमारे पास कोई भी गारंटी नहीं है कि हम लोग कल जिएंगे। कोलकाता की फरहाना खारकीव में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। इस वीडियो के जरिए फरहाना ने जो डरावनी हकीकत बयां की है उसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। स्टेशन में घुसने नहीं दे रहे थे हम लोगों को, बाकी इंडियंस लोगों को उन्होंने मारा भी। इस रात फरहाना ने एक और वीडियो तैयार किया। ये वीडियो उस वक्त बनाया गया था जब फरहाना के साथ 20-25 भारतीय छात्र छात्राएं किसी तरह खारकीव से निकलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए थे। बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे मतलब रेलवे स्टेशन में घुसने नहीं दे रहे थे हम लोगों को, काफी इंडियंस लोगों को उन्होंने मारा भी और पकड़ के रेलवे स्टेशन से निकाला। और अगर कोई वीडियो बनाता है तो उनको बोला जाता है कि आप डिलीट करो वीडियो, नहीं तो आपको नहीं जाने देंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे गर्ल्स को भी बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अगर गर्ल्स को के कंपार्टमेंट में अगर मतलब वो लोग बोले ठीक है गर्ल्स को हम लोग घुसने देंगे, लेकिन बस इंडियन लड़कियों को सिर्फ क्यू में खड़ा करके रख रहे, बाकी उन लोग को पुश भी किया जा रहा है। मैं खुद वो चीज फेस कर चुकी हूँ। यहाँ पे गर्ल्स की तो कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। और यहाँ पे 2 ट्रेन अभी तक निकल चुकी है और हम लोग को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। यूक्रेन के वॉर जोन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं की स्थिति वाकई कैदियों की तरह नजर आ रही है। वो लोग तो पढ़ लिख कर अपना करियर बनाने के मकसद से यूक्रेन गए थे, लेकिन किसे पता था कि वो वहां भयानक युद्ध की लपटों से घिर जाएंगे। अब हाल यह है कि उन्हें सपने में भी खतरे के सायरन सुनाई देते हैं। उनके ख्वाबों ख्यालों पर गोलीबारी और बम धमाकों का कब्जा हो चुका है। अब भी वहां हजारों ऐसे भारतीय फंसे हुए हैं जिन्हें अपने चारों तरफ आसमान से बारूद की बारिश होती हुई दिखाई देती है। हर पल उनकी जिंदगी पर मंडरा रहा है मौत का खतरा। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद भी भारतीय स्टूडेंट्स की मुसीबतें कम नहीं। उन्हें ट्रेन में चढ़ने से रोक दिया गया, कोई प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, उनको धक्का मारा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। लेकिन फरहाना और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। ट्रेन में जगह नहीं मिली तो किसी तरह बस में सीट का जुगाड़ कर लिया। आप सभी को
सना समेत सैकड़ों हिंदुस्तानी सही सलामत रोमानिया तक पहुंच गए और ये सब मुमकिन हुआ उनकी हिम्मत और हौसले से। जिस तरह से इन लोगों ने मौत के खतरों से जूझते हुए खार्किव से टर्नोपिल तक का सफर तय किया और फिर यूक्रेन बॉर्डर पार करके रोमानिया तक पहुंचे, वो अपने आप में बेमिसाल है। भारत के बहादुर बच्चों को अब वतन वापसी का इंतजार है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज 10वां दिन है। इन 10 दिनों में कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। दोनों देशों के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। जंग का यह जुनून अभी न जाने कितनी तबाही मचाएगा। महायुद्ध की ये आग अभी न जाने कितने लोगों की जिंदगी छीनेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ABP News, आपको रखे आगे।